मुझे बेड के अंदर रखना है ये, मैंने एक्चुअली बीच में अलमीरा। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट, आइए। हेलो दोस्तों, तो यहाँ मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। आपने देखा मैंने इसमें एक नोट लगाया है, यानी गांठी लगाई है, तो ये चारों तरफ लगाऊंगी। इससे क्या होता है, बेडशीट होती है बिल्कुल सेट हो जाती है, और बच्चे इसमें फिर कितना भी कूदे ये ख़राब नहीं होती है। जैसे कि काव्या, मेरी छोटी बच्ची है, तो वो बहुत कूदती है बेड में, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल सेट रहता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कितने अच्छे से बिल्कुल लग रहा है ये। बेडशीट लगाने के बाद मैंने बेड के नीचे से सारा कूड़ा करकट निकाला। ये मैं डेली नहीं निकालती हूँ, ये मैं 2 4 4 दिन की गैप में निकालती हूँ। मेरी छोटी बेटी है तो वो एक्चुअली वहाँ मेरे बेड के किनारे पे थोड़ा गैप है, तो वहाँ से कागज़, अपने सारे खिलौने, पता नहीं क्या क्या डाल देती है। तो जैसे आप देख सकते हो मोस्टली कागज़ ही निकल रहे हैं और उसके खिलौने निकल रहे हैं, वो फेंकती रहती है उसके। देखो फ्रेंड्स, इतना कूड़ा कबाड़ा निकला है। अभी आ गई है मैडम जी बीच में, तो इसको हटाया मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना कूड़ा निकला है यहाँ पे। इसके बाद मैंने अपनी अलमीरा सेट की है। तो दोस्तों, कमरे की साफ सफाई कर दी है मैंने। अब मैं करूंगी इन कपड़ों को तय। जैसी मेरी अलमीरा है, यहाँ मेरे कपड़े रहते हैं, तो मैं इसको तय कर रही हूँ, और हफ्ते में मैं जरूर करती हूँ। अदरवाइज यहाँ पे इतना हौच पच हो जाता है कि कपड़े मिलना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है, ना चाहते हुए भी ना खिचड़ी बनी जाती है। तो आज मैं इन कपड़ों को करूंगी तय। पूरा चट्टा बन रखा है यहाँ पे, तो काम शुरू करते हैं। आइए। कपड़े मैंने यहाँ पे तय करके रख दिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो आइए मेरे साथ। बारिश हो रही है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये। बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं, आवाज़ आ रही है, इनको ज़रा ध्यान से सुने, ये एक मेडिटेशन का काम भी करती है। और ये कपड़े जो रखे हैं ना, ये सब मुझे बेड के अंदर रखना है। ये मैंने एक्चुअली बीच में अलमीरा, सॉरी, जन्माष्टमी में निकाला था ना, तो वही मैं अब इसको तय करके रखूँगी यहाँ पे। आइए मैं आज कराती हूँ अपने बेडरूम का टूर। तो यहाँ से करते हैं हम एंटर रूम में। तो चलिए आइए मेरे साथ। और ये देखिए, ये है मेरा बेडरूम। ये मैंने बेडशीट लगाई थी, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और वो है अलमीरा, अलमीरा के ऊपर काफ़ी सामान रखा है, उसे भी सेट करना है मुझे। तो जिस दिन करूँगी उस दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक चारपाई है, तो जो धुले हुए कपड़े होते हैं मैं इसी में रख देती हूँ, फिर बाद में तय करती हूँ। और ये है एक बड़ा सा विंडो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो ये आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हो ना, ऐसा ड्रेसिंग टेबल आज के टाइम आपको नहीं मिलेगा देखने को, तो इसकी भी अपनी खासियत है, अच्छा लगता है ये। सिंपल सा है, स्वीट सा है। और अब आपको दिखाती हूँ
ये जो बेड है ये भी आपको इस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। और मैं अपनी बेटी की कलाकारी दिखाती हूँ, जब वो 1 या 1.5 साल की थी, अब उसने छोड़ दिया है दीवारों पे कलाकारी करना। बचपन में तो बच्चे करते ही करते हैं, तो मैं इसीलिए उसको रोकती नहीं थी क्योंकि ये भी अपना एक टाइम होता है, तो उसे इंजॉय करने दिया मैंने। और बेशक दीवारें ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम थोड़ा आएगा दोबारा। और ये कंबल है, कंबल हमने काव्या के लिए बिछाया है क्योंकि वो कभी कभी किनारे सोती है तो गिरने का डर रहता है, इसीलिए हमने इसको नीचे लगाया है कंबल को। और ये है वॉशरूम, इसी के साथ अटैच है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।